सो फाइनली दोस्तों सनी देओल, ओ भाई साहब, भाई बैक टू बैक गुड न्यूज लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि इतनी सारी अपडेट आ चुकी है ना दोस्तों, मतलब किंग ऑफ द बॉलीवुड, शेर ऑफ द बॉलीवुड। एंड ये शेर दोस्तों 66 साल कह लो, अभी क्या अभी एज है, लगभग 66-67 की एज होगी भाई साहब। इस एज में भी पाजी ने जो ऐसा गर्जा है ना भाई, एक ऐसा कमबैक कर लिया है ना भाई साहब, बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े डायरेक्टर अब लाइन लगा के खड़े हैं कि सनी पाजी से साइन करना है। एंड दोस्तों बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर आऊँ, जी हाँ, मित्री मूवी मेकर पुष्पा वाला बैनर, पुष्पा के प्रोडक्शन हाउस वाले भैया, कुल मिला के गोपीचंद मलिनेनी और क्या बोलते हैं फिल्म मेकर एंड प्रोड्यूसर, बहुत बड़ा ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं इस फिल्म को दोस्तों, जो कि अभी अनटाइटल है एंड साउथ एक्शन मूवी, जो कि सनी देओल गोपीचंद मलिनेनी के साथ इन्होंने साइन कर लिया है कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ रेडी है, जल्दी एक बहुत बड़ी गुड न्यूज या फिर बहुत बड़ा टीजर आने वाला है। और दोस्तों बताऊंगा कि टीजर में क्या क्या हो सकता है और किस प्रकार से ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं और कब आ सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक कमेंट करना, अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देना, और चैनल पर नए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब गदर मचने को तैयार है। तो भाई लोगों आपको बता दूं कि अभी देखो यार, बॉलीवुड के बड़े स्टारों की बात करूं, खासतौर से नॉर्थ के अंदर, तो सलमान, शाहरुख, आमिर है, लेकिन इनकी फिल्में, जब आपको बता दूं कि जब इनकी 90s में फिल्में चलती थी ना भाई, इतनी हाइप नहीं हुआ करती थी, क्योंकि 90s का किंग है ना, किंग पता कौन था बाप, पता है कौन था शेर, पता है कौन था, सनी पाजी, क्योंकि 90s में उनकी फिल्में ऐसी चलती थी ना भाई, चाहे कोई भी फिल्म उठा लो भाई, सनी पाजी अलग अंदाज होता था, सनी पाजी आलतू फालतू रोमांटिक चीज़ें नहीं करता था भाई, वो एक्शन लड़ता था, एक्शन। अब ये लोग एक्शन पे आ चुके हैं कि एक्शन का दौर है, अब जिस दौड़ में तुम फिल्में बना रहे हो ना, वो दौड़ पाजी ने शुरू किया था, और पाजी का वो दौड़ जो है उस टाइम से चल रहा है, 90s के टाइम से, तो बाप ही होता है। तो आजकल के जो छपरी गैंग है वो सोच रहे हैं कि भाई सनी पाजी का करियर खत्म हो गया है, और सनी पाजी जो है छोटी मोटी फिल्में कर रहे हैं, और भाई साहब उसमें कीचड़ उछाल रहे हैं कि भाई साहब ये प्रोड्यूसर से इसके रिश्ते सही नहीं है, प्रोड्यूसर से इसके क्या बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, एंड ये पैसे मार के बैठा रहता है। मैं दोस्तों SD4GM, हमने एक नाम रखा था, एक टेम्पररी नाम SD4GM करके जो मैंने ये रखा था, इसके अंदर गोपीचंद मलिनेनी जो है सनी देओल के साथ पहली बार काम करेंगे। एंड आपको बताया था मैंने दोस्तों कि इस फिल्म के अंदर जो है बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, जिनको समझ लो कि ऑस्कर तक गई हुई टीम है, नेशनल अवार्ड तक मिली हुई है इस टीम को। एंड रवि तेजा ऑफिशियली पार्ट थे, बट रवि तेजा इस फिल्म का पार्ट नहीं हो गए, नहीं अब है, क्योंकि दोस्तों जो इसके प्रोड्यूसर है उनको लॉस लगा, क्योंकि रवि तेजा जो है ना OTT राइट से इसके क्या बोलते हैं ना थिएटिकल राइट से इसका पैसा रिकवरी कर सकता है। कुल मिलाकर दोस्तों पहले ये OTT पे आनी थी, जी हाँ, ये नेटफ्लिक्स पे ही आनी थी, लेकिन क्योंकि दोस्तों रवि तेजा को साइड करके ये इन लोगों ने सनी देओल से पहले सलमान खान पे गए, एंड सुनने में आता कि सलमान खान ने अप्रोच किया। देखो यार दोस्तों, ये जो फिल्म है, इस फिल्म के अंदर पूरी की पूरी एक्शन है, पूरी पूरी एक्शन है। वीर सिम्हा रेड्डी, आपने मूवी देखी होगी, आई थिंक वो नंदमुरी बालाकृष्णा की मूवी है, और उनका एक अलग स्वैग होता है भाई साहब। आपको बता दूं कि वीर सिम्हा रेड्डी से भी घातक एक्शन होने वाला है, फाड़ू एक्शन होने वाला है। एंड सनी पाजी का जो लुक जब से आउट हो चुका है ना भाई, उसके बाद से तो आप बिलीव करो, सनी पाजी का जल्दी एक नया लुक आएगा, एक नया पोस्टर आने वाला है, एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने वाला है, जिसमें गोपीचंद मलिनेनी जो है सनी देओल के साथ एक नया पोस्टर रिलीज कर सकते हैं, जिसमें वो इंस्पेक्टर की भूमिका में हो सकते हैं। और आपको याद होगा कि रवि तेजा का भी एक इंस्पेक्टर की भूमिका में एक पोस्ट आया था, जिसमें उन्होंने मूछें लंबी लंबी की थी, और बेसिकली इस मूवी के लिए इंस्पेक्टर के रोल में अपनी पोर्टफोलियो शूट कराए थे। सनी देओल दोस्तों अभी जो करंट पीरियड चल रहा है, देखो यार अभी कहा जा रहा है ये जो फिल्म है अनटाइटल मूवी, साउथ मूवी, इसकी शूटिंग 18-19 जून से शुरू हो जाएगी इसी महीने से। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि अभी लाहौर का भी शूटिंग कंप्लीट होते हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत सीन है जो भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट सनी देओल के तो सारे सीन हो चुके हैं जो अभी तक तो मुझे खबर आई है। उसके बाद सनी पाजी ने, क्योंकि अब लुक पूरा चेंज कर लिया है, एंड इस लुक में दोस्तों आपको याद होगा कि सनी पाजी के रामायण मूवी का भी शूट इस टाइम पर लंदन में होना है, जो कि मुझे लगता है कि शायद लाहौर 1947 का शूट कंप्लीट होने के बाद पाजी अब लंदन की तरफ रवाना हो गया, और लंदन में रामायण मूवी की भी शूटिंग स्टार्ट होने को हो रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों इसी टाइम पे ही, अब क्योंकि सनी देओल जो है, देखो यार बाप मूवी तो कंप्लीटेड है, सफर मूवी कंप्लीटेड है, सूर्या भी कंप्लीटेड है, तो अब कौन सी फिल्म की तैयारी है, तो ऑफ कोर्स तैयारी इसी फिल्म की, साउथ मसाला एक्शन मूवी की, जिसका नाम अभी तक स्टिल अनटाइटल है। एंड वी वांट कि यार एक बड़ा पोस्टर रिलीज किया जाए, एक टीजर वीडियो आ सकता है दोस्तों,
जिसमें लगभग लगभग एक मिनट का सनी देओल का लुक के साथ एंड गोपीचंद मलानी जो है इस फिल्म की ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पोस्टर, बहुत बड़ा टीजर एंड बहुत बड़े नेम के साथ आ सकता है और बहुत ही खतरनाक नाम होगा दोस्तों। जी हाँ, इस फिल्म के अंदर दोस्तों साउथ के मैक्सिमम स्टार है। आपको बताया था कि इस फिल्म की शूटिंग पिछले साल ही शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। कास्ट, क्रू मेंबर, जितने भी कलीग थे, उनके स्टाफ थे, जितने भी टेक्नीशियंस थे, जितने भी दोस्तों तमाम लोग थे जिनका जो प्रोडक्शन से जुड़े हुए थे, उन सब के सब मुहूर्त हो चुका था, लोकेशन तैयार हो चुका था। और जबकि दोस्तों आपको बता दूँ एक और चीज़, 18-19 से जब से इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, इसका पहला शूटिंग सनी देओल का ही होना है और हैदराबाद के लोकेशन में ही होना है। और पहला शूट कहा जा रहा है कि एक्शन का शूट है, मतलब पहला सीन ही एक्शन से भरा हुआ है, तो आप सोच सकते हो कि क्या होने वाला है। एंड रही बात एक्ट्रेस की, तो दोस्तों अभी साउथ की एक्ट्रेस तो फाइनल है ही, लेकिन जो प्रोड्यूसर लोग हैं वो नॉर्थ की एक्ट्रेस को अब कास्ट करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि सन्नी पाल जी के अपोजिट में नॉर्थ में कौन सी एक्ट्रेस बेस्ट फिट बैठेगी। दोस्तों क्या लगता है आपको कि नॉर्थ में कौन सी एक्ट्रेस फिट बैठेगी? ऑफकोर्स सन्नी देओल के। अभी सन्नी देओल के साथ लाहौर 1947 में प्रीति जिंता है, गदर 3 में फिर से अमीषा पटेल होंगी, लेकिन दोस्तों ऐसी कौन सी एक्ट्रेस हो सकती है, क्योंकि सफर मूवी में सिमरन सिंह बग्गा है, लेकिन जब बात एक्शन मूवी की है एंड सन्नी देओल का ये लुक देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि रणबीर कपूर वाला सेम लुक लग रहा है एंड पाजी जो है वापस 40 साल के हो चुके हैं, तो ऐसे में दोस्तों एक्ट्रेस तो बूढ़ी नहीं चाहिए अपने को। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों कौन सी एक्ट्रेस हो सकती है आपके पसंद की? क्या साउथ की एक्ट्रेस त्रिशा को हायर करे, कास्ट करे, या दोस्तों नॉर्थ के अंदर वापस इस फिल्म के अंदर मुझे लगता है कि प्रीति जिंता को कास्ट किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों अमीषा पटेल को, या रवीना टंडन भी एक बेस्ट चॉइस हो सकती है, या फिर दोस्तों आजकल की जनरेशन की एक्ट्रेस बोले तो कृति सैनन, दीपिका पादुकोण या दिशा पाटनी, ऐसी एक्ट्रेस को हायर करना चाहिए, कास्ट करना चाहिए। दोस्तों क्या लगता है बताओ। एंड दोस्तों इस फिल्म का जो बजट है मैंने बताया था 120 करोड़ का है, ठीक है, एंड इसके राइट पहले ही बिक चुके हैं OTT पे, मतलब इस फिल्म ने ऑलरेडी कम से कम 80 करोड़ में राइट इसके पहले ही बिक चुके हैं OTT को। जी हाँ, अब आप कहोगे कि यार इस फिल्म की शूटिंग नहीं तो राइट कैसे बिक गए? भाई कई बार नेटफ्लिक्स जो है कॉन्टेंट देख के और स्टारकास्ट को देख के भी OTT प्लेटफॉर्म पैसा प्रोड्यूस कर देता है, या तो पैसा लगा देगा, बात एक ही हुई, या तो पैसा दे देगा, या पैसा देगा, या क्या बोलते हैं, या डील फाइनल कर लेगा। तो डील फाइनल हो चुकी है, अब थ्रेटिकल राइट में दोस्तों क्या होगा देखना होगा। यह फिल्म 5-6 भाषाओं में रिलीज होगी, पैन इंडिया रिलीज होगी। एंड दोस्तों इंडिया की आपको बता दूं कि यह फिल्म 2025 में आएगी, नॉट इन 2024, क्योंकि पूरा साल जो है शूटिंग और प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन में लगेगा। अगले साल ही यह फिल्म दोस्तों रिलीज होगी, उसकी डेट अभी तक नहीं आई है। और यह फिल्म दोस्तों कितना कलेक्शन कर सकती है, क्या ओपनिंग होगी, कॉमेंट करके बताओ। क्या फर्स्ट डे की ओपनिंग क्या ये 40 करोड़ पार जाएगी? क्या पहली बार दोस्तों ऑफकोर्स पुष्पा 2 के फिल्म मेकर है ये? हमने पुष्पा मूवी देखी है, पुष्पा 2 की बारी जो कि 15 अगस्त को बवाल मचाने वाली है, तो पुष्पा 2 के साथ हम यही क्रॉस उम्मीद करते हैं, फिंगर क्रॉस की भाई साहब पुष्पा 2 के साथ इसका टीजर आए इस फिल्म का एंड जल्दी ही दोस्तों नाम अनाउंस करें। अगले हफ्ते दोस्तों बहुत बड़ा एक नेम अनाउंस होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा बाय फिल्म मेकर मित्री मूवी एंड बाय दोस्तों गोपीचंद मलानी। तो दोस्तों आर यू रियली एक्साइटेड? आपको क्या लगता है क्या नाम होगा, नाम कमेंट करो। एंड दोस्तों सनी देओल के साथ अपोजिट में कौन सी एक्ट्रेस होनी चाहिए? जी हाँ, आपको मैंने चॉइस दे दिए, कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय। दोस्तों सनी देओल रॉक। एंड दोस्तों सनी देओल के इस बैक टू बैक प्रोजेक्ट से आपको बता दूं कि जो हेटर लोग हैं उनको मुंह पर तो सही तमाचा पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कीजिए, प्यार देते रहिए, अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।